तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्राई करो। देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, PV3 कांस्टेंट है। PV3 कांस्टेंट को हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो हीट कैपेसिटी निकालना, आप ये पढ़ के आए होगे PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गामा की वैल्यू जो होती थी वो एक्चुअली एडियाबेटिक प्रोसेस होता था, उसके लिए ए स्टेट इक्वेशन था। लेकिन अगर गामा की वैल्यू कुछ भी हो जाए यार, PV इज इक्वल टू X हो जाए कांस्टेंट, तो ऐसे प्रोसेस को हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में इसमें जो हीट होती है, मोलर हीट होती है, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू CV+R और 1 - X के इक्वल होती है, वही X जो यहाँ है पावर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इक्वेशन है PV इज इक्वल टू 3 वो कांस्टेंट है, और पॉलीट्रॉपिक का ये इक्वेशन है। अब इन दोनों में कंपेयर हुआ तो X की वैल्यू मुझे 3 मिला, है ना। अब अगर X मुझे 3 मिल गया तो मुझे CV कहाँ से पता चलेगा? तो CV इज इक्वल टू होता है FR/2, हम लोग रट लिए हैं, और CP इज इक्वल टू होता है RF/2+1। तो मोनोएटॉमिक गैस था, तो मोनोएटॉमिक जब तक वाइब्रेशन बताया नहीं जाएगा तब तक मैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही लूंगा। वाइब्रेशन होगा तो 5 आ जाएगा, और जब तक टेम्परेचर लो है तब तक ये सही है। तो ये आ जाएगा 3R/2। तो 3R/2 को ले जाके और X को ले जाके इसमें डाल दो तो मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी 3R/2 रुक जा भाई 1 - 3, तो -2 और -2 R, तो C की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे ना इसको यार, तो C की वैल्यू R है। D ऑप्शन सही है। फटाफट